दोस्तों हो गया चमत्कार। भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम से हार कर भी जीत लिया अपना सेमीफाइनल मैच। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, इस सेमीफाइनल मैच में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होते दिखा। जब ये चीज ऑस्ट्रेलिया टीम को पता चलती है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इस चीज से काफी ही ज्यादा हैरान रह गई। सभी को लगा कि भारतीय टीम ये मैच हार गई है, लेकिन बाद में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ और इसमें भारतीय टीम ने पूरा फायदा उठाते हुए इस सेमीफाइनल मुकाबले को जीत लिया। दोस्तों अगर आखिरकार आप भी जानना चाहते हैं इस खबर को विस्तार से तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर, आपका एक लाइक भारतीय महिला टीम को फाइनल मैच भी जिता सकता है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज खेला गया इंडिया वुमेन्स और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम के बीच में सेमीफाइनल मुकाबला। ये सेमीफाइनल मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। इस सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने भी अपना पूरा दमखम दिखाया और इस सेमीफाइनल मुकाबले को बेहद ही रोमांचक बनाया। इस सेमीफाइनल मुकाबले में पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग करने आती है। बैटिंग करने आए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार बैटिंग की और 20 ही ओवर में 175 रन बना डाले। ऑस्ट्रेलिया की टीम 175 रन बेथ मुनी की शानदार पारी की वजह से बनाई। फिर एशली गार्डनर ने आकर तूफानी पारी खेली जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया महिला टीम इतना बड़ा स्कोर बना पाई। इसके बाद भारतीय टीम इस मैच में बैटिंग करने आती है। शुरुआत में तो भारतीय टीम के 3 विकेट गिर जाते हैं, लेकिन बाद में फिर हरमनप्रीत कौर इस मैच को आगे बढ़ाती है। लेकिन उसके बाद हरमनप्रीत कौर और जब जमीमा आउट हो गई तो भारतीय महिला टीम इस मैच में काफी ट्रबल में फंस गई। बाद में भारतीय टीम जाकर ये मैच 5 रनों से हार गई। दोस्तों जिस हिसाब से भारतीय महिला टीम ने इस मैच में एफर्ट डाला उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय महिला टीम ये मैच हार कर भी जीत गई है।